हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त प्रभात चौरसिया। दोस्तों, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं ट्रिग्नोमेट्री वाली, लेकिन अब आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझिएगा, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बाई हैंड ट्रिक्स। अब आपको लग रहा होगा कि हैंड ट्रिक से आखिरकार कैसे निकालते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की कितने वैल्यूज होते हैं, तो आप समझिए, आप जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद जो है आपका कॉट थीटा होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 3/√2 होती है। जैसे साइन 30 की वैल्यू देखें तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की देखें तो ये 1/√2, यानी कुल मिलाकर के आपको पता होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हैंड ट्रिक से, यानी हाथों से हम लोग कैसे किसी चीज को निकाल सकते हैं, ये कभी भूलेगा नहीं, और ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, आपको ये सीखना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए, दोस्तों, तो चलिए आपको हैंड ट्रिक से समझाता हूं। हैंड ट्रिक का मतलब ये मेरा हाथ है, 1 2 3 4 5। आप देखिए, सबसे पहले आप नीचे वाली फिंगर को 0° मान लीजिए, ऊपर वाली फिंगर को 30, और इसके बाद 45, ये 60, और ऊपर वाली को मान लीजिए 90। इतना तो आपको चलता होगा, ये छिंगी है, ये अनामिका, ये सब ऊपर का जो हमारा ये टो है, हाथ। आप देखिए, साइन के बारे में हम लोग आते हैं साइन थीटा के बारे में। आप समझते हैं, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। अगर कभी भी बात साइन किया जाए तो याद रखिएगा, अंडर रूट के अंदर लोअर फिंगर, अंडर रूट के अंदर लोअर फिंगर अपॉन 2। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट के अंदर लोअर फिंगर अपॉन 2। आप देखते हैं, चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे निकालनी है साइन 0। 0 का मतलब बताइए, इसके नीचे कितना है? एक भी फिंगर नहीं है, यानी अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि लोअर फिंगर का मतलब एक भी नीचे, लोअर का मतलब नीचे होता है, नीचे एक भी नहीं है, अपॉन 2, यानी 0/2, यानी 0/something = 0। और आप खुद देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। एक और देख लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू देख लेते हैं। जब साइन 30 की वैल्यू देखेंगे तो आप समझिए, 30 का मतलब क्या है? लोअर फिंगर। लोअर फिंगर का मतलब क्या है? कितने नीचे है? एक। एक का मतलब है 1 हो गया, अपॉन 2, यानी देखिए, जब यानी 1/2, क्योंकि अंडर रूट 1 से कोई तात्पर्य नहीं, तो आप देखिए बिल्कुल सही है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। एक और देख लेते हैं, साइन 45 देख लीजिए। जब साइन 45 देखेंगे तो बताइए, 45 के नीचे कितने हैं? 2 हैं, यानी अंडर रूट 2/2। एक बात जानते हैं, ऊपर अगर मैं निकालूं, नीचे जाना है मुझको, रेशनलाइजेशन कर देता हूं। रेशनलाइजेशन करने का मतलब दोनों तरफ इसी का मल्टीप्लाई, यानी ये ऊपर ऊपर अंडर रूट टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, यानी 2 से 2 खत्म, यानी कितना आ गया? 1/√2। और आप यकीन मानिए, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, यानी मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ। एक और देख लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू देख लीजिए। जब साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो 60 में कितने हैं नीचे? 3 है, अपॉन 2, यानी कुल मिलाकर देखिए √3/2। और एक्चुअली होता है, साइन 90 देख लीजिए, साइन 90 की वैल्यू वैसे 1 होती है, देखते हैं आता कि नहीं आता। तो 90 में देखिए कितने हैं? 1 2 3 4, 90 के नीचे 1 2 3 4, तो अंडर रूट के अंदर 4/2, और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, 2/2 = 1। और आप बिल्कुल मानिए कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये मैंने आज सिर्फ फिक्स कर दिया। चलिए मैं कॉस की तरफ आता हूं। दोस्तों, साइन की वैल्यू हम लोगों ने बिल्कुल देख ली, इसी फिंगर से अब हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू। तो देखते हैं कॉस की वैल्यू, देखते हैं कॉस की वैल्यू होती है अंडर रूट अपर फिंगर अपॉन 2, यानी जिस तरह से साइन की वैल्यू होती है लोअर फिंगर अपॉन 2 अंडर रूट, ये होती है अपर फिंगर अपॉन 2। एक निकालते हैं किसी भी चीज। मान लीजिए मुझको निकालना है यहां पर कॉस 30, तो आप देखिए 30 के नीचे, 30 के ऊपर देखना, अपर का मतलब ऊपर, तो 1 2 3 देख लीजिए, 30 के ऊपर 1 2 3, यानी अंडर रूट 3/2, यानी बिल्कुल सही है। और आप, मैं आपको होमवर्क देता हूं, बाकी कॉस 0, कॉस 45, और कॉस 60, और कॉस 90 आप उसको निकाल करके देंगे। मैं एक 10 में आता हूं। देखिए, अगर मैं 10 थीटा की वैल्यू निकालूं, तो याद रखिएगा 10 की वैल्यू होती है अंडर रूट लोअर फिंगर
अंडर रूट लोअर फिंगर अपॉन अंडर रूट अपर फिंगर, यानी अंडर रूट लोअर फिंगर और अपॉन अंडर रूट लोअर फिंगर। यानी अगर मैं इसको निकालूं अंडर रूट लोअर फिंगर अपॉन अंडर रूट लोअर, ये क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, ये कॉस की, और आप इतना जानते ही होंगे कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी इसीलिए ऐसा है। एक्चुअली वो तो एक अलग की बात है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड मैंने आपको बताया कहां से आया होगा। तो देखते हैं, मान लीजिए मुझको निकालना है टेन फोर्टी फाइव, देख लेते हैं बाकी तो अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। साइन थीटा की वैल्यू होती है अंडर रूट लोअर फिंगर अपॉन टू, कॉस थीटा की होती है अंडर रूट अपर फिंगर अपॉन टू, अपर फिंगर अपॉन टू, और टेन की होती है अंडर रूट लोअर फिंगर अपॉन अंडर रूट अपर अंडर रूट अपर फिंगर। ठीक दोस्त, चलिए तो बताइए 45 निकाल लो, 45 के नीचे कितनी है? दो, यानी हो जाएगा अंडर रूट टू। 45 के ऊपर कितनी है? तो ऊपर भी दो है, यानी ये दोनों काटूंगा तो देखिए वन, और देख लीजिए बिल्कुल सही है कि साइन 1045 की वैल्यू भी वन होती। एक और देख लेते लास्ट, 1090 क्या होता है आप मुझको बताइए। 1090 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का मतलब अनंत। तो आप देखते हैं 90 के, बताइए 90 के लोअर फिंगर, लोअर कितना है? लोअर कितना है? एक दो तीन चार, यानी चार हो गया अपॉन। अपर कितना है 90 के ऊपर? तो एक भी नहीं है 90 के ऊपर, तो एक भी नहीं है, यानी जीरो, यानी आ जाएगा टू अपॉन जीरो। और आप जानते हैं कि समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो होता है, लेकिन समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट, इसलिए ये इनफाइनाइट आ जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मतलब अलग तरीके से कि नॉट डिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको हैंड ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे साइन के पूरे वैल्यूज, कॉस के वैल्यू और टेन के वैल्यूज, इसी को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक सेक और कॉट भी आ जाएंगे दोस्तों। तो आज हम लोगों ने आज हैंड ट्रिक के माध्यम से पूरी की पूरी वैल्यू समझी है, इसमें काफी मेहनत लगी दोस्तों। आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और फिर से मुलाकात होगी आपसे। मैं प्रभात चौरसिया आपसे मुलाकात बाद में करूंगा, धन्यवाद।